नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मॉल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि लेनेवो K3 फोन है फ्रेंड्स, और इसमें जो है FRP लॉक है, दिखा रहा हूँ आपको। आगे तो देखते फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे जो है स्किप नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ FRP लगा हुआ है। वहाँ से मान लीजिए चलिए वाईफाई कनेक्ट करने के बाद भी तो फिर से आप देख सकते हैं यहाँ भी ये नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, आज हम इसको FRP जो है इसका कैसे हटाएंगे उसके बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, वो भी एंड्रॉयड मल्टी टूल के माध्यम से। ये एंड्रॉयड फास्ट रीसेट टूल है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, करना क्या है, एंड्रॉयड मल्टी फास्ट रीसेट टूल को ओपन कर लेना है। इसका लिंक जो है मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, और फोन को आपको ऑफ कर लेना है। फोन ऑफ करने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, फास्ट मोड में लेना है। वॉल्यूम प्लस और पावर की को एक साथ प्रेस करके रखना है। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ ये मोड आ चुका है। अब यहाँ पे जो है फास्ट फूड मोड यहाँ पे फर्स्ट में ही नज़र आ रहा है, यहाँ पे उस पर क्लिक कर लेना है। फ्रेंड्स, उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे चलिए पहले ट्राई कर लेते हैं रिमूव क्वालकॉम FRP पे। तो यहाँ पे जो है वो का ऑप्शन है, इसे दबा के और हम डाटा केबल को लगाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा FRP जो वहाँ पे शो कर दिया है, ये जो चुका देख सकते हैं आप। और यहाँ देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट करना है, स्किप करना है आपको। ये फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं FRP जो है बाईपास हो चुका है एंड्रॉयड फास्ट फूड रीसेट टूल के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।